हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, राधे राधे। और जन्माष्टमी के दिन की शुरुआत हुई भगवान जी की पूजा से। खूब अच्छे से धूमधाम से पूजा की सुबह की। पायल ने बस फ़ोटो ही खींचे, वीडियो नहीं बनाई थी। और दिन भर हमने जहाँ पे अपना सेटअप बना रखा था लड्डू गोपाल के बिठाने के लिए, हमने अरु को राधा रानी बनाया था, उसके साथ खूब मस्ती की। लड्डू गोपाल भी बिठा रखे हैं और उसके साथ खूब सारी रील्स बनाई अरु की मम्मी ने भी, और मैंने भी एक रील मैंने पोस्ट भी की है। और अरु को हमने तैयार किया था, और ये ड्रेस अरु की पायल ने बनाई है कपड़ा लेके। तो हमने उसको राधा रानी का सेटअप है, कितनी प्यारी क्यूटी सी राधा रानी है। और मैं और अरु डांस भी कर रहे थे दोनों भगवान के भजन पे। अभी मैंने लगाया नहीं क्योंकि वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है। और आप भी सोच रहे होंगे कि वीडियो इतनी लेट डाल रही है जन्माष्टमी की, इसका भी कारण है। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या हुआ, मेरी वीडियो लेट क्यों हो गई आने में। तो अभी आप व्लॉग को एंजॉय करिए, देखिए कैसी लग रही है हमारी छोटू सी राधा रानी और छोटे से कन्हैया। और सच में बताना कमेंट करके कि राधा रानी कैसी लगी। तो देख सकते हैं राधा रानी जी डांस कर रही हैं, बहुत ही क्यूटी पाई बेटी है अरु, जैसे वीरा है ना, बिल्कुल सेम। तो अभी हम शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, ये मतलब जो हमने वीडियो बनाया था। और ये भी पायल ने वैसे लंबे इंस्टाग्राम वाली रील के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाई है। तो अभी ये टाइम है, शाम के 6 बज रहे हैं। मैं भगवान जी को फूलों में बिठाऊंगी, उनका जब प्रकट्य होता है तो उस समय के लिए, जन्म के लिए, तो हम इन्हें फूलों में बिठाते हैं। तो मैं किस तरह बिठाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम सारा श्रृंगार उतार लेंगे भगवान जी का। श्रृंगार उतारने के बाद इन इस तरह थोड़ा फूलों का आसन देकर और सारे कपड़े निकाल के भगवान जी के ऐसे एक खीरा रखेंगे इनके साइड में, और फूलों से इनको पूरा कवर कर देंगे। तो मैं फूलों के साथ साथ कुछ टोफी वगैरह भी कवर करती हूँ। उससे क्या होता है कि वो टोफी मैं भगवान के जन्म उत्सव के उसमें बच्चों को बांट देती हूँ। तो अभी मैंने फूलों से ढक दिए हैं, ये 2 पैकेट मैंने टोफी के मंगा रखे हैं जिनसे मैं कवर कर दूँगी भगवान जी को, और फिर हम इनका रात को जन्म कराएंगे। तो मैंने एक कच्चा आम और एक ये रेड वाली मीठे वाली टोफी मंगा के रखी थी जिनसे मैंने इनको कवर कर दिया है। और अब अभी हम भगवान जी को आसन दे देंगे जो हमने इनके लिए बना रखा है। थोड़े से ऊपर से हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी हैं, और अभी हम यहीं पे स्थापित कर देंगे प्रभु को जहाँ हम इनका प्रकट्य जन्म उत्सव मनाएंगे। तो अब यहीं पर मैं अभी एक दीप जला देती हूँ, शाम से ही ये पूरी रात जलेगा, मतलब जब हम जन्म कराएंगे उसके बाद तक, रात को सुबह किसी भी टाइम बढ़ जाए, जब मैं जन्म कराती हूँ उसके बाद मैं एक बार फिल कर देती हूँ इसको घी से, तो ये पूरी रात जलता रहता है। सुबह तक भी कई बार सुबह जब सो के उठते हैं तब भी जलता ही मिलता है हमें, ये हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये सब मैंने कर दिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ब्लॉग इतना लेट क्यों आ रहा है। हमारे परिवार में नियर बाई रिश्तेदारी में एक डेथ हो गई थी जवान ही, तो मुझे नेक्स्ट डे वहाँ जाना पड़ा जन्माष्टमी से अगले दिन, मतलब 27 को। तो इसलिए मेरा व्लॉग एडिट नहीं हुआ। फिर 28 को मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कुछ भी करने का, तो इसलिए मेरा व्लॉग लेट है। अब रात के 12 बज गए हैं, मैं नहा ली हूँ दोबारा, नहा धो के अब हम प्रभु का जन्म कराएंगे। और यह है सही हल्का सा खीरे के हाथ लगाते हुए कि हमने नाल से अलग कर लिया है प्रभु को, और हम प्रभु को लेंगे अपने सर पर बिठाएंगे एक बार, इनके चरणों को स्पर्श कराएंगे सर पर, और उसके बाद हम प्रभु को स्नान कराएंगे पंचामृत से। पहले सबसे पहले हम शहद से स्नान कराते हैं, चाहे तो आप सारा एक साथ भी मिला सकते हैं और चाहे तो अलग अलग करा सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग ही कराते हैं। तो पहले हमने शहद से करा दिया है अच्छे से स्नान, अब घी हम ले लेंगे और घी को अच्छे से प्रभु का लगा देंगे। घी क्योंकि गर्म तो कर नहीं सकते क्योंकि लाला है, तो इसलिए हल्के हाथ से इस तरह हल्के हाथ से मसाज करनी है थोड़ी थोड़ी सी। इसके बाद हम लेंगे दही और दही से पूरे मतलब अच्छे से लगा के प्रभु के, तब हम इनको स्नान कराते हैं। देखो सब जानते हैं लेकिन मैं कैसे करती हूँ मैं केवल वो आपको दिखा रही हूँ। सब करना जानते हैं, सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैं कैसे करती हूँ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अच्छे से आप मसल मसल के अपने लाला को अच्छे से मैंने नहलाया खूब, और देखो ये सब भाव का खेल है। और ये है बारीक वाली बूरा जो हमने ली है, और इससे भी हम अच्छे से, ये भगवान के लिए स्क्रब का काम करता है, और अच्छे से हम अच्छे से बहुत ही सॉफ्ट हाथ से, क्योंकि बूरा थोड़ी सी चुभती है ना, तो इसलिए सॉफ्ट हाथ से हम इनको मसलते हुए स्नान करें। और अब मैंने लिया है गाय का कच्चा दूध,
जिससे हम लास्ट में भगवान को स्नान करा रहे हैं दूध से। तो पांच चीज़ों से हो गया है, अब इसके बाद हम बिल्कुल शुद्ध जल से स्नान कराएंगे प्रभु को। और जो ये शंख रखा है, मैं भगवान को जल से इसी शंख से स्नान कराती हूँ, तो इसलिए जल मैंने मतलब शंख यहीं ला। और जो ये पंचन अमृत है, इसी से हम व्रत खोलेंगे अपना। तो अब हम जल से स्नान कराएंगे प्रभु को। तो ऐसे शंख में जल लेकर कोई भी एक मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं, तो उससे आप स्नान कराते रहिए अपने प्रभु को। और अब हम प्रभु को अच्छे से तोले से पूछ के वस्त्र धारण कराएंगे। मेरी ही बनाई हुई एक और ड्रेस है जो मैं प्रभु को पहना रही हूँ इस समय। और इसके बाद हम इनको झूला झुलाएंगे, सब मिलके भोग लगाएंगे, आरती करेंगे और फिर अच्छे से इनसे प्रार्थना करेंगे कि पूरा साल शुभ मंगल रहे सभी के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं ओरिजिनल आवाज़ में। स्टार्ट कर रही है हाथी घोड़ा पाल की या लाल की, हाथी घोड़ा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया राम से। प्रभु छोटे बच्चे हैं ना, तो प्रभु शहद पियेंगे। ये प्रभु शहद का घुट्टी भोग लगा लीजिए। जय जय श्री राधे।